हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ही बेस से 6 तरह की आइसक्रीम, जो बनाना बहुत ही आसान है और जो बनके बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आइसक्रीम रेसिपी। तो सबसे पहले हम आइसक्रीम का बेस बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप दूध, 3 चम्मच दूध को अलग कर लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे और दूध को गर्म होने देंगे। देखिए दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। चीनी को लगातार चलाते हुए घोल लेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार किया था, उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे और देखेंगे ये धीरे धीरे जल्दी ही गाढ़ा होने लगेगा। देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। अभी हम 1 मिनट और पका लेंगे। दूध अब अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग जार, उसमें डालेंगे जो हमने दूध तैयार किया था उसको। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मलाई और इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। हमारा आइसक्रीम का बेस बनकर तैयार है। अब हम लेंगे स्टील की कटोरी, उसमें आइसक्रीम के बेस को डाल देंगे। अब हम बनाएंगे पिस्ता आइसक्रीम। तो इसके लिए हम 1 कटोरी में डालेंगे पिस्ता और ग्रीन फूड कलर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। पिस्ता आइसक्रीम बनके तैयार है। ऊपर से हमने पिस्ता को डाल दिया है। अब हम बनाएंगे कैशू आलमंड आइसक्रीम। इसमें हम डाल देंगे कटे हुए बादाम और काजू, 1/2 चम्मच डालेंगे वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू बादाम आइसक्रीम आज बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के बेस में अब हम डाल देंगे कुछ टूटी फ्रूटी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस टूटी फ्रूटी आइसक्रीम भी बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। तो हम डालेंगे 1/2 चम्मच कोको पाउडर और चॉकलेट के टुकड़ों को डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे कोकोनट आइसक्रीम। तो हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से कोकोनट पाउडर को डाल देंगे। कोकोनट आइसक्रीम बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी 6 फ्लेवर की आइसक्रीम बनके तैयार है। अब हम इनको कवर कर देंगे।
हम 7 से 8 घंटे के लिए इनको फ्रीजर में रख देंगे। 7 से 8 घंटे हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए हमारी सारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।